तो दोस्तों, जैसा आप जानते हैं, मैं फायरबोल्ट निंजा को पिछले 2 दिनों से यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपके लिए फर्स्ट डे इसको ऑर्डर करके इसका अनबॉक्सिंग, रिव्यू और गिव अवे वीडियो अपने चैनल पे डाल दी हुई है। लेकिन दोस्तों, एज अ टेक यूट्यूबर मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपके सामने इसके सारे प्रोज और कॉन्स लाऊं। तो इस वीडियो में दोस्तों, मैं आपको इस वॉच के बारे में 2 दिनों में जो मेरे यूज़ के बाद मैंने जितनी भी प्रॉब्लम्स फेस की हैं, या मुझे जो जो इसके कॉन्स लगे और ऑनेस्ट प्रोज भी लगे, मैं सब आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और साथ ही साथ दोस्तों, हेल्थ मॉनिटर्स का भी असली सच मैं आपके सामने इस वीडियो में ले आऊंगा इस वॉच के बारे में। और दोस्तों, इस वीडियो के एंड तक आपको पता चल जाएगा कि इस बजट में डीजो स्मार्ट वॉच, बोट वॉच स्टॉर्म या फायरबोल्ट निंजा में से आपको कौन सी वॉच लेनी चाहिए। तो दोस्तों, डिटेल्ड कंपैरिजन वीडियो भी होने वाली है, सारी डिटेल्स आपको पता चल जाएगी, कोई भी डाउट नहीं रहेगा इस वीडियो के एंड तक। तो जरूर दोस्तों, अगर आपने अभी तक टेक मंजिल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, बेल आइकन पे ऑल प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हम सबसे पहले यूट्यूब पे ऐसी लेटेस्ट बजट प्रोडक्ट्स की अनबॉक्सिंग, रिव्यू और गिव अवे वीडियोस लाते रहते हैं, और जितने भी प्रोडक्ट्स मार्केट में लॉन्च होने लगते हैं उनके डील्स और ऑफर्स सबसे पहले यूट्यूब पे पोस्ट कर देते हैं। तो दोस्तों, जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल टेक मंजिल। तो सबसे पहले दोस्तों, मैं इसकी जितनी भी प्रॉब्लम्स मैंने फेस की है वो आपको बिल्कुल सच सच बताना चाहूँगा। तो दोस्तों, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मुझे इस वॉच में लगी वो है दोस्तों, इस स्मार्ट वॉच का डिस्प्ले। तो दोस्तों, जैसा आप इधर देख सकते हैं, इस स्मार्ट वॉच में आपको काफ़ी मोटे बेजल्स मिल जाते हैं। यहाँ से इसका डिस्प्ले स्टार्ट होता है और यहाँ पे इसका डिस्प्ले एंड होता है, नीचे तो काफ़ी बड़ा बेजल मिल जाता है। तो दोस्तों, डिस्प्ले के मामले में मुझे स्मार्ट वॉच काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग लगी है, क्योंकि दोस्तों, फोटोज़ में जैसा ये लोग वेबसाइट पे देते हैं बिल्कुल एंड टू एंड बिल्कुल इसका डिस्प्ले दिया जाता है, लेकिन स्मार्ट वॉच में दोस्तों असल में काफ़ी मोटे बेजल्स हैं, जो कि दोस्तों थोड़ी लेस प्रीमियम लुक देती है आपकी स्मार्ट वॉच को। ऑल्दो दोस्तों, इसमें आपको मेटल बिल्ड क्वालिटी मिलती है जो कि काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन डिस्प्ले से मुझे काफ़ी ज़्यादा निराशा हुई है। और दोस्तों, दूसरी प्रॉब्लम की बात करूँ तो मुझे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम लगी है वो है दोस्तों, इसका डिस्प्ले की ब्राइटनेस। जी हाँ दोस्तों, इंडोर्स में तो आपका ये डिस्प्ले काफ़ी अच्छा लगेगा आपको कि काफ़ी सही चल रहा है, लेकिन आउटडोर्स में दोस्तों सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है, क्योंकि आउटडोर्स में स्मार्ट वॉच का डिस्प्ले ऑलमोस्ट बिल्कुल गायब हो जाता है। मुझे आउटडोर्स में काफ़ी दिक्कत हुई इसके डिस्प्ले को चलाने में। तो दोस्तों, आउटडोर्स में इसके डिस्प्ले की ब्राइटनेस काफ़ी ज़्यादा कम है, और उस मामले में दोस्तों रियलमी डीजो की जो स्मार्ट वॉच के बारे में आगे मैं इसका कंपैरिजन करने वाला हूँ वो इससे काफ़ी ज़्यादा बेटर है। तो दोस्तों, ब्राइटनेस के मामले में भी स्मार्ट वॉच ने काफ़ी कम ब्राइटनेस दी है, तो दोस्तों आउटडोर में आपको दिक्कत आ सकती है। तो ये मैंने आपको दूसरा नुकसान बता दिया। और दोस्तों, तीसरी बात, इस स्मार्ट वॉच का जो स्लीप टाइम है, जी हाँ दोस्तों, जैसा आप जानते हैं स्मार्ट वॉच अवेक है अभी, लेकिन दोस्तों काफ़ी जल्दी ये बंद हो जाती है। तो जैसे कोई बंदा अगर ट्रेनिंग मोड ऑन करता है तो ऑन करते करते जैसे ही मैं स्वाइप ही करने वाला होता हूँ उससे पहले इसका स्क्रीन डिस्प्ले बंद हो जाता है, और दोस्तों वो काफ़ी इरिटेटिंग हो जाता है कई बार, क्योंकि दोस्तों स्लीप टाइम इनको थोड़ा सा ज़्यादा रखना चाहिए था, क्योंकि इसमें प्राइस कटिंग के लिए ऑल्दो बटन नहीं दिया, लेकिन वो प्राइस कटिंग काफ़ी अच्छी है, क्योंकि इसमें आपको लिफ्ट टू वेक का फीचर मिल जाता है जो कि ब्रांडेड स्मार्ट वॉच में नहीं मिलता। लेकिन दोस्तों, जैसा अभी आपने देखा, कई बार ये काम नहीं करते, ऑब्वियसली ये 1799 का बजट है, तो आपको पूरा स्मार्ट वॉच को ऐसे घुमा के लाना पड़ता है तब जाके इसका लिफ्ट टू वेक काम करता है। लेकिन दोस्तों, एक बात और अच्छी है कि इसमें आपको टच टू वेक का भी फीचर मिल जाता है, यानी कि दोस्तों जैसे ही ये स्मार्ट वॉच बंद होती है तो आप टच करके इसको ऑन कर सकते हैं, और वो काफी एफिशिएंट है। और दोस्तों, अब अगर बात करें असली इसके हेल्थ मॉनिटर्स के सच के बारे में, तो दोस्तों कल तो मैंने इसकी वीडियो में आपको इसका हेल्थ मॉनिटर का टेस्ट करके दिखा दिया था, और वो काफ़ी ज़्यादा प्लस माइनस 2 की एक्यूरेसी के साथ इसने दिखा दिया था। लेकिन दोस्तों, असल में अब मैं आपको इसको टेबल पे टेस्ट करके दिखाऊंगा, और तब जाके आपको पता चलेगा कि इसके हेल्थ सेंसर्स कितने ज़्यादा एक्यूरेट हैं। तो दोस्तों, इसको मैं साइड कर देता हूँ बॉक्स को, और जैसा आप अब इधर देख सकते हैं, मैंने स्मार्ट वॉच को टेबल पर रख दिया है, और टेबल पर रख के दोस्तों अब मैं इसका बीपी मॉनिटर सबसे पहले चेक करता हूँ। तो आप देख सकते हैं इधर कितना ये टेबल का बीपी मॉनिटरिंग करता है। तो दोस्तों, जैसा आप इधर देख सकते हैं, इसने मेरे टेबल का भी बीपी दिखा दिया जो कि 165। और देखिए दोस्तों, ये मुझे सबसे ज़्यादा इरिटेटिंग लगता है, जो ये विद इन 1 to 2 seconds जो इसका डिस्प्ले बंद हो जाता है, ये काफ़ी ज़्यादा इरिटेटिंग लगता है, और फिर वो शुरू से स्टार्ट होता है वहाँ से, तो ये मुझे थोड़ा इरिटेटिंग भी लगा। फिर भी दोस्तों, इस बजट में इतना तो हम बर्दाश्त कर सकते हैं। लेकिन जो सेंसर्स की एक्यूरेसी है वो आप दोस्तों देखिए, अब SPO2 मैंने चलाया तो टेबल का SPO2 कितना दिखाता है। तो दोस्तों, इसने मेरे टेबल का भी 98 SPO2 दिखा दिया, तो आप देख ही सकते हैं कितना एक्यूरेट है इसके हेल्थ मॉनिटर्स। ऑल्दो कल मैं इसके झांसे में आ गया था, मुझे लगा था इसका हेल्थ मॉनिटर्स काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट हैं, लेकिन दोस्तों आप जैसे कई अटेंटिव सब्सक्राइबर्स ने मुझे सजेशन दिया कि टेबल पे रख के भी इसकी एक्यूरेसी चेक करिए, तो मैंने जब इसकी टेबल पे रख के एक्यूरेसी चेकिंग करी तो मुझे ये रिजल्ट मिला। तो आप भी देख सकते हैं कितने एक्यूरेट है इसके सेंसर्स। तो अब दोस्तों, इसका मैं हार्ट रेट भी दिखा देता हूँ, कैसे टेबल का हार्ट रेट मॉनिटरिंग भी करके दिखा देता है। तो दोस्तों, जैसा आप इधर देख सकते हैं, इसने टेबल का 71 दिखा दिया हार्ट रेट, और दोस्तों ये आप देख सकते हैं इसकी कितनी एक्यूरेसी है मॉनिटर्स की। ऑल्दो इधर पीछे सेंसर्स तो दिए हुए हैं, लेकिन फिर भी दोस्तों टेबल का हार्ट रेट जो दिखा दे सेंसर वो कितना ही एक्यूरेट होगा, आप समझ ही गए होंगे।
तो दोस्तों इस मामले में मुझे ये वॉच ने थोड़ा डिसअपॉइंट किया, लेकिन दोस्तों अगर एक बात कंसिडर किया जाए लेदे के बाद तभी आ जाती है कि फायर बोल्ट ने इसको आपको दिया है 1799 में। और उस वीडियो में दोस्तों जो मैंने कल डाली थी उसमें मैंने आपको बताया है कि कैसे आप इसको 15% डिस्काउंट पर भी खरीद सकते हैं, तो इनडायरेक्टली आपको ये वॉच अराउंड 1600 रुपये की पड़ रही है दोस्तों। तो इतने सस्ते बजट में आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। और दोस्तों नेक्स्ट कॉन की बात करूँ तो स्मार्ट वॉच में एक चीज़ जो मुझे पसंद नहीं आई वो है दोस्तों इसके जो ट्रैकर्स है, चाहे वो स्लीप मॉनिटरिंग हो, स्टेप्स मॉनिटरिंग हो, वो मुझे बिल्कुल एक्यूरेट नहीं लग रहे, क्योंकि दोस्तों स्टेप्स जो इसने कैलकुलेट किए हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम है दोस्तों, जितने मैंने कल कैलकुलेट किए थे अपने हिसाब से, तो दोस्तों बिल्कुल मैच नहीं कर रहे मेरे कंसिडरेशन में। और दोस्तों स्लीप मॉनिटर तो मेरी स्मार्ट वॉच ने किया ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी शॉकिंग लगेगा आपको, लेकिन मैं इसको पहन के सोया रात को और इसने मेरी स्लीप मॉनिटरिंग करी ही नहीं। लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, एक और बार मैं इसको ट्राई करूंगा, और अगर आप इस वीडियो पे काफ़ी प्यार देंगे तो स्लीप मॉनिटरिंग का एक फाइनल टेस्ट भी आपको करके बता दूंगा। तो दोस्तों ये एक काफ़ी बड़ा मुझे कॉन लगा, जो इसके एक्सरसाइज और ट्रैकिंग मॉनिटर्स हैं वो मुझे बिल्कुल एक्यूरेट नहीं लग रहे। लेकिन दोस्तों इस बजट में आप ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, मैं बार बार आपको यही बोलूंगा। और दोस्तों अगर बैटरी की बात करें तो बैटरी में दोस्तों जैसा आप जानते हैं 5 दिन की अगर इन्होंने बैटरी कहा है, तो मेरे हिसाब से इसकी बैटरी आराम से 2 से 3 दिन चलेगी, उससे ज़्यादा तो नहीं चलने वाली। और दोस्तों काफ़ी जल्दी चार्ज हो जाता है, ये मुझे अच्छी बात लगी स्मार्ट वॉच के बारे में। अराउंड 45 मिनट्स या 1 आवर में मेरी बैटरी चार्ज हो गई थी, तो उसके बाद दोस्तों आप इस स्मार्ट वॉच को अराउंड 2 से 3 दिन यूज़ कर सकते हैं। तो बैटरी परफॉर्मेंस आप अच्छा भी कह सकते हैं, और मतलब बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव तो नहीं कहूँगा, डिसेंट ही है। तो दोस्तों प्रोज में जो मुझे सबसे पहली चीज़ इस वॉच के बारे में अच्छी लगी वो है दोस्तों इस वॉच का टच टू वेक का फीचर, जो कि दोस्तों काफ़ी ज़्यादा फास्ट और इफेक्टिव है अपने बजट के हिसाब से। और साथ ही दोस्तों अगर बात करूँ उसके टच की, तो उसने भी मुझे काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस किया है, क्योंकि इस बजट में क्या दोस्तों, जो 4 से 5 हज़ार रुपये के भी बजट की स्मार्ट वॉचेज हैं उसमें भी दोस्तों आपको काफ़ी लैग दिख जाता है, लेकिन ये तो सिर्फ 1799 की स्मार्ट वॉच है, और उसमें दोस्तों इतना रिस्पॉन्सिव टच मिलना मुझे बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था। तो रिस्पॉन्सिव टच है मुझे काफ़ी इंप्रेसिव लगा, तो उस मामले में स्मार्ट वॉच ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। और दोस्तों फायदे में एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा, इसका जो नोटिफिकेशन रिस्पॉन्स है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। कल की वीडियो में मैंने आपको एक्जैक्टली विद इन सेकेंड्स आपको सेंड करके दिखाया था नोटिफिकेशन, और इंस्टेंटली वो आ गया था। जैसा आप इधर देख सकते हैं अभी भी वो नोटिफिकेशन अवेलेबल है इधर, सब्सक्राइब टू टेक मंजिल। तो दोस्तों ये रिमाइंडर भी था, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। तो दोस्तों ऐसी यहाँ पे नोटिफिकेशन आ जाती है, जो कि काफ़ी इफेक्टिव है और काफ़ी फास्ट है। और दोस्तों सेटिंग्स में आप जाके म्यूट वगैरह कर सकते हैं और पावर ऑफ कर सकते हैं। और दोस्तों कल कई लोगों का ये भी डाउट आ रहा था मेरी वीडियो में कि पावर ऑफ करने के बाद स्मार्ट वॉच को ऑन कैसे करना है, क्योंकि इसमें कोई बटन तो दिया नहीं हुआ। तो दोस्तों आपको इसको ऑन करना है लॉन्ग प्रेस करके, जैसे ही आप इसके डिस्प्ले को लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे इसकी स्मार्ट वॉच ऑन हो जाएगी। लॉन्ग प्रेस करने के बाद इधर फायर बोल्ट लिखा हुआ आ जाएगा और ये ऑन हो जाएगी। अभी तो ये मेरी स्विच्ड ऑन है, तो इसीलिए अभी यहाँ पे डायरेक्ट टच करने पे ऑन हो गई। तो दोस्तों ये सारे मैंने आपको इसके प्रोज और कॉन्स बता दिए। अब आ जाते हैं दोस्तों मेन बात पे कि इस बजट में जो बाकी स्मार्ट वॉचेज है, जैसे कि बोट वॉच, स्टॉर्म, रियलमी डीजो की लेटेस्ट स्मार्ट वॉच जो कि अभी अभी फ्लिपकार्ट लॉन्च हुई है अराउंड 3000 रुपीज़ में, और उसके भी फीचर्स और स्पेसिफिकेशन की वीडियो मैंने अपने चैनल पर बनाई थी, तो उनके साथ अगर दोस्तों इसका कंपैरिजन करें तो इस स्मार्ट वॉच से दोस्तों अगर बैटरी का कंपैरिजन करें तो दोनों स्मार्ट वॉचेज स्मार्ट वॉच से बेटर है, क्योंकि दोस्तों बोट वॉच स्टॉर्म की बैटरी बैकअप है 10 डेज का, और दोस्तों रियलमी डीजो स्मार्ट वॉच का बैटरी बैकअप है 12 डेज का। जी हाँ दोस्तों 10 और 12 डेज का, तो ऑब्वियसली अगर थोड़ा कम भी हम कंसिडर करें तो इससे बेटर बैकअप तो आपको मिल ही जाएगा। तो दोस्तों बैटरी बैकअप में ऑब्वियसली वो दोनों स्मार्ट वॉच बेटर है। और दोस्तों टच की बात करूँ तो टच में दोस्तों 90% चांस है कि इससे बेटर तो नहीं होगा बोट वॉच स्टॉर्म का टच। इसका जो टच रिस्पॉन्स है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मैंने बोट वॉच एक्सटेंड की अनबॉक्सिंग करी है और उससे बेटर टच रिस्पॉन्स मुझे स्मार्ट वॉच का लगा। और दोस्तों अगर रियलमी डीजो स्मार्ट वॉच की बात करें तो उसका टच रिस्पॉन्स दोस्तों ऑब्वियसली स्मार्ट वॉच से बेटर होगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं उसकी भी अनबॉक्सिंग रिव्यू करके बताऊँ तो आप ज़रूर नीचे कमेंट्स करिए और इस वीडियो को लाइक करिए। और दोस्तों स्पोर्ट्स मोड की बात करें तो स्पोर्ट्स मोड में दोस्तों इस स्मार्ट वॉच में आपको 7 स्पोर्ट्स मोड मिलते हैं, और बोट की स्मार्ट वॉच में जो बोट वॉच स्टॉर्म है उसमें आपको 9 स्पोर्ट्स मोड मिलते हैं, और डीजो स्मार्ट वॉच में दोस्तों आपको 90 स्पोर्ट्स मोड मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों 90 स्पोर्ट्स मोड आपको रियलमी वॉच 2 में मिल रहे थे, जो कि 4000 के अराउंड अवेलेबल थी, और डीजो वॉच अराउंड 3000 पे लॉन्च हो रही है 2999 के स्पेशल ऑफर पे। और दोस्तों अगर बात करें वाटर रेजिस्टेंस की तो इस स्मार्ट वॉच में आपको IPX7 का वाटर रेजिस्टेंस मिल जाता है, जैसा आप इधर देख सकते हैं। और दोस्तों बोट वॉच स्टॉर्म में आपको 5 ATM वाटर रेजिस्टेंस मिल जाता है, यानी कि दोस्तों आप उसको पानी में कंप्लीटली डाल सकते हैं 50 मीटर्स तक के डेप्थ तक। तो दोस्तों उस मामले में ऑब्वियसली बोट वॉच स्टॉर्म को बेटर हैंड मिलेगा। और दोस्तों डीजो की जो स्मार्ट वॉच है उसमें आपको
IP68 की वाटर रेजिस्टेंस मिलती है, तो वो और इसकी वाटर रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो वाटर रेजिस्टेंस में अगर आपकी प्रायोरिटी और आप स्विमिंग करते हुए भी वॉच को पहनना चाहते हैं तो दोस्तों बोट वॉच स्टॉर्म इज द ऑप्शन फॉर यू। तो दोस्तों वाटर रेजिस्टेंस का भी कंपैरिजन करके बता दिया। अब दोस्तों बात करें इसके स्पोर्ट्स मोड और हेल्थ मॉनिटर्स की एक्यूरेसी के बारे में, तो दोस्तों सबसे ज़्यादा एक्यूरेट स्मार्ट वॉच जो होने वाली है वो होने वाली है दोस्तों डीजो स्मार्ट वॉच, क्योंकि दोस्तों उसमें आपको रियलमी ब्रांड का बैकअप मिल जाता है और साथ ही साथ दोस्तों रियलमी लिंक ऐप का आपको एक्सपीरियंस मिल जाएगा, जो कि दोस्तों काफ़ी प्रीमियम ऐप लगती है इन सब ऐप्स के कंपैरिजन में। इसकी ऐप जो दाफिट है उससे भी मैं काफ़ी ज़्यादा सैटिस्फाइड हूँ, लेकिन दोस्तों अगर आपको बेटर एक्सपीरियंस चाहिए ऐप का तो बेस्ट ऐप मार्केट में रियलमी लिंक ऐप है। उससे आप अपने AIoT डिवाइसेस को भी कंट्रोल कर सकते हैं और रियलमी डीजो स्मार्ट वॉच में आपको वॉइस असिस्टेंट्स का भी फीचर मिल जाता है। तो दोस्तों उस मामले में मुझे एक ओवरऑल बेस्ट बाइंग स्मार्ट वॉच अगर आप कम बजट में लेना चाहते हैं तो रियलमी डीजो स्मार्ट वॉच है, क्योंकि दोस्तों उसमें आपको 90 स्पोर्ट्स मोड मिल रहे हैं, काफ़ी टेस्टेड स्मार्ट वॉच है, रियलमी लिंक ऐप का सपोर्ट मिल जाता है और काफ़ी अमेजिंग फीचर्स के साथ आ रही है अलॉन्ग विद 90 स्पोर्ट्स मोड, और एक्यूरेसी भी दोस्तों 110% उसकी ज़्यादा होगी। लेकिन दोस्तों अगर आपकी प्रायोरिटी है वाटर रेजिस्टेंस तो आप जा सकते हैं बोट वॉच स्टॉर्म के साथ, लेकिन दोस्तों अगर आपकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है प्राइस, जो कि दोस्तों ज़्यादातर लोगों को होता है, तो सबसे सस्ती स्मार्ट वॉच अभी है फायरबोल्ट निंजा, और दोस्तों थोड़े बहुत कॉम्प्रोमाइजेस आपको मिलेंगे जो मैंने आपको बता दिया इस वीडियो में डिटेल में। आपके लिए दोस्तों स्पेशली मैं वीडियो लाया हूँ आज, तो ज़रूर लाइक करिए इस वीडियो को। तो दोस्तों अगर आपका बजट स्ट्रिक्टली 1799 है या काफ़ी कम है तो आप इसके लिए जा सकते हैं, और वाटर रेजिस्टेंस आपकी प्रायोरिटी है तो आप बोट वॉच स्टॉर्म के लिए जा सकते हैं, लेकिन अगर आप एक ओवरऑल होलिस्टिक बेस्ट स्मार्ट वॉच के लिए जाना चाहते हैं तो वो है दोस्तों डीजो स्मार्ट वॉच, जो कि 2999 में मिल रही है। और दोस्तों अगर आप इस स्मार्ट वॉच के गिव अवे में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप अभी भी जाके वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं, मैंने कल ही डाली है चैनल पे, और उस पर दोस्तों ज़रूर लाइक करिए, 5 दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में उसके बताइए कि आपको कौन सा पार्ट बेस्ट लगा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो के लिए बस इतना ही, अगर आपके कोई भी और डाउट्स हैं दोस्तों तो मैं ज़रूर आपके कमेंट सेक्शन में उस डाउट्स को क्लियर करूंगा, और ज़रूर इस वीडियो को प्यार दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और टेक मंजिल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू दोस्तों।